मैं शुरू आपका स्वागत करती हूँ आप बार बार गॉसिप में। शिव ठाकरे आखिरकार ले ही आए हैं मुनावर फारूखी और अंजलि को आमने सामने। चलिए आप लोगों को बताते हैं और कुछ बातें याद करवाते हैं। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लॉकअप सीजन हम देखा है तो आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन सी एक स्टोरी भी याद होगी मुनावर फारूखी और अंजलि की। मुनावर फारूखी और अंजलि दोस्ती लॉकअप में तो काफी अच्छी थी, पर बाहर आने के बाद वो लोग एक दूसरे से मिले नहीं, अब तक मिले नहीं थे। पर अभी अभी बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट शिव ठाकरे ने एक्चुअली में एक पार्टी दी। उन्होंने ब्रांड न्यू एक गाड़ी खरीदी है जिसकी खुशी की पार्टी देते हुए नजर आए शिव ठाकरे। और वहां पर ये भी जवाब देते हुए नजर आए कि भाई मंडली टूटी नहीं है, मंडली अभी भी एक साथ है। मंडली में कुछ लोग एक साथ है पर कुछ लोग तो भाई फिर भी टूट चुके हैं, यानी कि निमृत कौर अहलूवालिया मंडली का हिस्सा नहीं रही है, एमसी स्टैन मंडली का हिस्सा नहीं रही है, वो एक्चुअली में आते नहीं है जब भी उनको बुलाया जाता है पार्टी शार्टी में। वहीं पर साजिद खान, अब्दुल रोजिक, शिव ठाकरे और सुम्बुल मंडली की नजर आई इस पार्टी में। और इस पार्टी में जो है इनवाइट किया गया बिग बॉस के और भी कंटेस्टेंट को, और इस पार्टी में इनवाइट किया गया लॉकअप के मुनावर फारूखी और लॉकअप की अंजलि को, जहां पर लोग चाहते थे कि एक बार ये दोनों साथ में आए, एक बार ये दोनों साथ में आए, पर आखिरकार कोई और तो नहीं कर पाया, पर शिव ठाकरे ने कर दिखाया। अंजलि और मुनावर को आमने सामने ले आए हैं और अपनी पार्टी के जरिए ये जवाब भी दे दिया है कि हमारी मंडली टूटी नहीं है पर कुछ लोग इसमें रहे नहीं हैं। क्या है आपके विचार बताइए जरूर इस अपडेट से जुड़े हुए। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।